गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू एलपी सवाणी रिवर साइड स्कूल। माई सेल्फ दीपिका सोनावाडे, योर इंग्लिश टीचर। प्रीवियस सेशन वी हैड कंप्लीटेड द पोयम दैट वॉज क्राइंग। सो टुडे वील बी स्टार्टिंग अवर फोर्थ लेसन यूनिट टू, दैट इज द एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब बड़ा, राइट? सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ एल्डर ब्रदर, राइट? दिस इज अ स्टोरी बाई प्रेमचंद, टाइटल्ड बड़े भाई साहब, राइट? तो यहाँ पे ये स्टोरी लिखी है प्रेमचंद ने। सो इसका नेम था, हिंदी में नेम था बड़े भाई साहब, राइट? द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पॉर्टेंट एज हार्डवर्क। तो इस स्टोरी में ये पता चलता है कि हार्डवर्क के साथ साथ हम लोगों को एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। सो हियर इज सीन वन, राइट? अ हॉस्टल रूम। ये दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे उस टाइम पे। टू ब्रदर्स एज 9 and 14 ईयर्स सिटिंग एट अ स्टडी टेबल। दो भाई थे, एक 9 साल का था और एक दूसरा 14 साल का था, राइट? सो दोनों स्टडी टेबल पे बैठे थे। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड अ यंगर वन मुन्ना इज ड्रॉइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। तो जो बड़ा भैया था या बड़ा जो भाई था वो भैया बुक पढ़ रहा था और छोटा वाला जो था वो मुन्ना था। तो फिर वो मुन्ना पिक्चर्स बना रहा था, मतलब ड्राइंग कर रहा था बर्ड्स और एनिमल के। सो फिर भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तो फिर भैया ने बोला कि मुन्ना तू क्या कर रहा है? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। मुन्ना ने बोला कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग? बोला कि भैया ने बोला फिर कि तू कब पढ़ाई करेगा और तू सुबह से कहाँ पे था? तो मुन्ना, फिर मुन्ना ने जवाब दिया कि उस तरफ मुंह बना के, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टूगेदर? तो फिर उसने मुन्ना ने जवाब दिया कि मैं तो खेल रहा था, और भैया आप इतने घंटों तक कैसे बुक के साथ बैठ सकते हो, राइट? फिर भैया ने जवाब दिया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग। तो भैया ने बोला क्योंकि मुझे मेरा एजुकेशन बहुत ही स्ट्रांग चाहिए, राइट? सो इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। तो उसने बोला अगर हमारा आधार मजबूत होगा तभी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। मतलब हम लोगों को पहले से ही हमारा बेस स्ट्रांग करना चाहिए ताकि आगे जाके हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो उसका भाई बोलता है कि कभी कभी तो मुझे 1 साल का काम करने के लिए दो साल लग जाते हैं। मतलब एक 1 year का काम करने के लिए मुझे पूरे 2 years निकल जाते हैं। मुन्ना, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। तो मुन्ना बोलता है कि भैया आप मेरे से 5 साल बड़े हो और 3 क्लास मेरे से आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप एक ही वर्ड को बार बार 20 times क्यों लिखते हो। 1 sentence मोर देन 20 times एंड कॉपी पोयम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स। और एक लाइन को 20 times से भी ज्यादा लिखते हो और पोयम को है जो वो आप बार बार लिखते हो, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हो, बार बार आप ये ऐसा क्यों रिपीट करते हो, क्यों बार बार एक ही चीज को लिखते रहते हो? ऐसा उस मुन्ना ने अपने बड़े भैया से पूछा। भैया, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द इंग्लिश सब्जेक्ट। पर उसका भैया मुन्ना से बोलता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना किसी बच्चे का काम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। तो उसके भैया ने फिर बोला कि इंग्लिश लिखना और पढ़ने के लिए, एकदम अच्छे से बात करने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पर तुम्हें जरा सा भी समय मिलता है तो तुम क्या करते हो, जाके फील्ड में खेलने लगते हो, फिर वो कंचे खेलते हो, मार्बल्स खेलते हो, पेपर के काइट्स बना बना के तू उसे उड़ाता है, या तो फिर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करते रहते हो। कैंट यू सिट डाउन एंड स्टडी? फिर उसके भैया ने उसको थोड़ा डांटते हुए बोला कि क्या तुम ऐसे चुपचाप ऐसे मेरी तरह बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते?
मुन्ना, ओ भैया, देर इज अ बिग मेला इन अ विलेज टूडे, शुड वी गो? फिर मुन्ना ने बोला कि भैया अब यहाँ पे हमारे गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है, चलो हम लोग चलते हैं। फिर भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? फिर उसके भैया ने पूछा उसे, क्या तूने कभी भी मुझे देखा है कभी मेले में गए हुए या क्रिकेट देखते हुए या फिर हॉकी का मैच देखते हुए? आई डोंट गो नियर देम, बोलता है कि मैं कभी उनके पास नहीं जाता है। आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक, मैं उससे अच्छा कहीं यहाँ वहां जाने से अच्छा मुझे बुक पढ़ना ज्यादा पसंद है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो वो ऐसा बोलता है कि मुझे एक ही क्लास को बार बार रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक क्लास में वो अगर 2 बार भी रहे, जैसे कि थर्ड स्टैंडर्ड में है तो अगले साल भी वो थर्ड स्टैंडर्ड में रहे तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं था उस भैया को। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, पर अगर तुम लोगों का बेस उस टाइम पे बेस अगर कच्चा रह गया और फिर भी तुम लोग आगे की क्लास में चले गए, तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा? कच्चा ही रह जाएगा, जिसकी वजह से तुम लोग हर साल उसी क्लास में ही रहोगे। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? तो वो अपने भाई से ऐसा बात करता है, छोटे मुन्ना से ऐसा बोलता है कि बिना तुम लोगों के पढ़ाई किए टाइम वेस्ट करते हुए, खेलने कूदने में टाइम वेस्ट करते हुए तुम कैसे पास होने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो पास होने के लिए? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। तो उसने बोला कि तू तो सिर्फ पापा के पैसे वेस्ट कर रहा है, ऐसे ही जो पापा इतना कमा रहे वो पैसे तू वेस्ट करने में बैठा है, मतलब पापा के पैसे बिना पढ़ाई के वेस्ट जा रहे हैं। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड स्पॉबिंग साउंड्स वाह वाह बा बा हू हू आर हर्ड। फिर वो क्या करता है, मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसको डांट पड़ी थी उसके भैया से, अलग अलग आवाज निकल के रोने लगा था। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, वो हॉस्टल में था। तो मुन्ना बोलता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपने घर पे चला जाऊं। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, तो उसका भैया फिर से चिल्लाने लगा, चल अब चुप हो जा, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अब अच्छे से स्माइल कर, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एंड डॉन। तो उसने भाई उसके भैया ने बोला ठीक है, अब रोना बंद कर, एक अच्छी सी स्माइल रख अपने मुंह पे, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाता हूँ, तू उसे फॉलो करना। तो यहाँ पे टाइम लिखा है और शेड्यूल लिखा है, देखो 6 AM 6 बजे उठना है, फिर अपने हाथ धोने हैं, राइट, फिर नाश्ता करना है, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी, ब्रेकफास्ट खाओ और बैठ जाओ कहाँ पे, पढ़ाई करने के लिए। 6 to 8 AM सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, 8 to 9 AM मैथ्स, 9 to 9:30 AM हिस्ट्री, फिर उसके बाद 9:30 to 3:30 का उन लोगों का स्कूल था, देन ऑफ टू स्कूल, देन फिर से 1.5 घंटा रेस्ट है बीच में, फिर 5 to 6 ग्रामर करना है, फिर 1/2 आवर फॉर स्ट्रॉलिंग मतलब यहाँ वहाँ वॉक करने के लिए, फिर 6:30 to 7 इंग्लिश कंपोजिशन उसके लिए 6:30 to 7 बजे का टाइम, देन डिनर, मतलब 7 से 8 बजे का ब्रेक है वहां पे डिनर, फिर 8 to 9 ट्रांसलेशन सब्जेक्ट था, फिर 9 to 10 रात के 9 to 10 को हिंदी, और लास्ट में 10 से 11 दूसरे सब्जेक्ट, और फिर देन टू बेड, और फिर जाके सो जाना है। मतलब इतना सारा शेड्यूल उसके भाई ने उसको बना के दिया था। मुन्ना, बट वेन इज द टाइम टू प्ले? फिर उसने अपने भैया से पूछा कि भैया अब मुझे खेलना कब है? पर फिर भैया ने बोला, प्ले वॉट इज नीड मुन्ना? भैया ने बोला, खेलना क्या जरूरत है उसकी? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल। फिर उसने बोला कि मुझे ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत वगैरह, और ये ठंडी ठंडी जो हवा आती है वो सब कुछ पसंद है, और मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, बोला कि मुझे जो टच है, जो हुतुतु करके हम लोग कबड्डी खेलते वो पसंद है, एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल खेलते है वो हम लोग बार बार बॉल यहाँ से वहां लेके हम लोग जो खेलते हैं, मुझे वो वॉलीबॉल मैग्नेट की तरह खींचता है। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, और मैं जब भी वहां फील्ड पे रहता हूँ तो मैं सब कुछ वहां पे भूल जाता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे सीन टू,
मतलब वो फर्स्ट सीन में ऐसा सब कुछ हुआ था, अब ये सीन टू। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम्स उन लोगों की हो गई दोनों भाइयों की और रिजल्ट्स आ गए थे। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। उसका भाई जो इतनी सारी पढ़ाई कर रहा था वो फेल हो गया। मुन्ना ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंट बिटवीन अस। फिर वो बोलता है कि भैया मैं तो पास हो गया और पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर्स मेरे आए हैं और मैं अब हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 class का अंतर रह गया है। 2 class के मीन्स पहले 3 class उसका भैया आ गए था, अब सिर्फ 2 class रह गया क्योंकि उसका भाई 1 साल फिर से फेल हो गया। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो उसके भैया ने बोला कि भाई मेरे प्यारे भाई इतना ज्यादा भी इतरा मत तू। यू हैव पास ओनली 1 class एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तो उसके भैया ने चिल्लाते हुए बोला कि तू पास हो गया, सिर्फ 1 class पास हुआ है और तुझे क्या लगता है कि तू ही अच्छा है, तू ही स्मार्ट है, मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ। वंस इन अ वाइल आई एम अ गुल्ली डंडा गेम, यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डजंट मीन। तो एक बार तो गुल्ली डंडा गेम में लकीली पास हो सकता है, मतलब लकीली तेरा चांस लग सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, तू उस गेम में बहुत ही अच्छा हो गया है, वो लकीली तेरा चांस लग गया इसके लिए तू अच्छा है उसमें। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है ताकि तू सक्सेसफुल हो सके, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सके उस लाइफ में, अपनी जिंदगी में। When you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे दूसरे सब्जेक्ट जैसे algebra और geometry आएंगे maths में, right? अगर बड़ी क्लास में जाएगा तो तब तुझे समझ में आएगा कि मेहनत किसे कहते हैं। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. पता है ज्योमेट्री में कैसे लिखते हैं? पता है जैसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? एबीसी लिखते हैं, पर ज्योमेट्री कैसा है? एसीबी है। अगर एबीसी लिख देगा वो तेरा पूरा ही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। फिर वो एग्जामिनर जो एग्जाम लेते हैं वो रॉन्ग ही दे देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे तुझे। फिर दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाई वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। और वो लोग ऐसा चाहते हैं कि वर्ड बाय वर्ड हम लोग टेक्स्ट बुक से पूरा लर्न करें, ऐसा उसके भैया ने मुन्ना को बोला था। ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। तो मुन्ना ने बोला कि ओ भाई साहब ये मुझे तो डर लग रहा है, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th class नाउ। उसने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th class में जाना चाहिए, बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डेज होमवर्क सो देट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। मुझे 9th class में तो नहीं जाना है पर फिर भी मेरा जो रोज का होमवर्क है वो तो मैं कंप्लीट करूंगा ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट नहीं मिले। भैया जस्ट टुडे वी वेर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages। फिर उसके भैया ने बोला सिर्फ आज के दिन जैसे हम लोगों को क्लास में बोला था एक छोटा सा एसे लिखो पंक्चुअलिटी पे। तो फिर पंक्चुअलिटी मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, मतलब सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम करना, राइट? तो उसने फोर पेजेस लिखने के लिए बोला। एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट। 4 pages का लिखा है फिर भी बोल रहे कि वो शॉर्ट है। इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप। इतना सब कुछ मिक्स था कि समझ में नहीं आ रहा था। मुन्ना थिंकिंग अलाउड थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन गॉन। फिर एकदम से जोर जोर से सोचने लग गया कि अच्छा हुआ है भगवान अब तो स्कूल का टाइम हो गया, वरना मेरे भैया तो डांटते ही रहते, उनका डांटना चालू का चालू ही रहता। थैंक यू भगवान कि टाइम हो गया स्कूल का, ऐसा उस मुन्ना ने बोला था। अब आ गया सीन 3। द रिजल्ट्स वेयर आउट वंस अगेन एंड इट इज सो हैपेंड दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। तो क्या हुआ? फिर से रिजल्ट आ गया फाइनल्स का। तो फिर से क्या हुआ? मुन्ना पास हो गया फिर से और भैया फिर से फेल हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट। फिर से ये भैया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर एंड सो अनहैप्पी। मुन्ना भी एकदम से सैड हो गया, उसके भैया अनहैप्पी थे, उसके भैया खुश नहीं थे इसके लिए। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना। फिर भैया ने क्या किया, मतलब उसको थोड़ा प्यार से, मतलब पहले जितना गुस्सा करते थे डांटते थे वो अब कम कर दिया भैया ने, थोड़ा सॉफ्ट हो गए।
मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। फिर मुन्ना ने क्या किया, पहले से ज्यादा बदमाशी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसने पढ़ाई भी कम स्टार्ट कर पढ़ना भी कम स्टार्ट कर दिया था। फिर मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आह आई एम लकी, आई कैन पास इजीली। फिर मुन्ना ने बोला कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं इजीली पास हो सकता हूँ, बहुत ही जल्दी पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, बोला कि मुझे इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, उसने बोला मैं अपने दोस्तों के साथ खेल भी सकता हूँ, पतंगे भी उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी। फिर उसने बोला कि मुझे फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि भैया मुझे देखे नहीं, ताकि मैं जब मैं पतंगे उड़ाता हूँ फ्लाइंग काइट्स। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली कम्स फेस टू फेस विद भैया। फिर एक दिन वो धीरे से पतंग नीचे की ओर आ रही थी, तो मुन्ना वहां पे भाग रहा था वो पतंग को पकड़ने के लिए, तो एकदम से उसके भैया से फेस टू फेस हो गया, वहां पे उसका भैया आ गया, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। फिर भैया ने क्या किया, तुरंत ही मुन्ना का हाथ पकड़ लिया। Aren't you ashamed to be playing kites all day along? फिर उसने बोला कि तुझे शर्म नहीं आती है पूरे दिन पतंगे उड़ाते हुए? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in lower class? तो उसके भैया ने बोला कि तुझे याद भी है तू 8th स्टैंडर्ड में आया है अब, और तू पतंगे उड़ाने बैठा है, अब तू छोटी क्लास में नहीं है, तू बड़ी क्लास में आ गया है। If you think that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you were wrong. तो उसने बोला कि तुझे ये लगता है कि मैं तेरे से अब सिर्फ एक क्लास पीछे हूँ, नहीं तू गलत है राइट, और मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तू गलत है राइट। तो फिर उसने बोला आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं भले ही तेरे से सिर्फ एक क्लास पीछे हूँ, पर फिर भी मैं तेरे से 5 साल बड़ा हूँ अभी भी, और हमेशा तेरे से 5 साल ही बड़ा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, बोला कि समझना सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होता है। लुक एट माँ एंड बाबा, बोला कि देखो मम्मा और पापा की तरफ, माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th class, बोला कि देखा माँ तो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और पापा ने भी सिर्फ 5th standard तक ही पढ़े हैं। मुन्ना रियली भैया इज दैट ट्रू, फिर मुन्ना ने बोला कि सच्ची भैया सच्ची है ये। फिर भैया बोलता है यस देर आर 1000 things दैट दे नो मोर देन यू एंड मी, बोला भैया ने बोला कि हजारों ऐसी चीजें हैं जो तुझसे और मुझसे ज्यादा पता है पापा मम्मी को। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस, बोला कि हम लोग पूरी दुनिया की हम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर ले, पर फिर भी माँ और पापा जो भी बोलते हैं और वो हम लोगों को जो भी समझाते हैं, और उनका हक बनता है हम लोगों को सब कुछ सही करने की और हमें समझाने की। नाउ व्हाट विल यू डू इफ आई वेर टू फॉल सिक टुडे, अब भैया ने फिर बोला कि अब समझ कि मैं अगर बीमार पड़ गया तो तू क्या करेगा। फिर मुन्ना ने बोला आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, तो उसने बोला कि भैया मुझे नहीं पता, पर मैं पापा को बोलता और पापा हॉस्टल आ जाते हैं। फिर भैया ने बोला आहा आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मुझे लगा ही था तू यही आंसर देगा। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, फिर बोला कि बाबा उनको बुरा नहीं लगता, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। फिर बाबा क्या करते हैं यहाँ पे, अगर बाबा होते तो कि क्या हुआ है उसको वो देखते और फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता था कि उनको क्या करना है वहां पे, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। फिर उसने बोला कि बाबा को पापा को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोला कि भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने जो बोला वो सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, फिर उसे हग किया भैया ने मुन्ना को। भैया आई ऑल्सो लाइक प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी।
तो मुझे भी भैया बोलता है कि मुझे भी खेलना और पतंगे उड़ाना बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं भी तेरी तरह ये करने लग गया तो तेरा ध्यान कौन रखेगा, तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू मेरी जवाबदारी है, राइट। तो यहाँ पे ब्रदर और दोनों ब्रदर के बीच में कितना प्यार था ये लेसन से पता चला, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ है। इसके बाद ये एक वर्ड मीनिंग्स है, ये आप आपकी नोटबुक में लिखोगे और ये स्टोरी फिर से एक बार रीड करोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर।